2024 में राजनाथ सिंह जी की क्या भविष्यवाणी? बीजेपी 370, 370 अकेले बीजेपी बात कर रही है, वो तो बकवास कर रहे हैं। जनता को विनंती करी है कि हमें 370 सीट देकर 400 पार कराइए एनडीए को। अगर आपको बहुमत मिला ठीक है, हुकूमत कीजिए, लेकिन धरा धमका के अगर कोई डेमोक्रेसी में करता है ये चल नहीं सकता। को पावर्ड बाय सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां जोरों पर हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से पूरा दम लगाने की कर रही है कोशिश, लेकिन विपक्ष में टूट से मारामारी नजर आ रही है, तो मोदी की चौथी बार की तैयारी भी नजर आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना, तीसरा टर्म नहीं चौथे टर्म का भी जिक्र होने लगा है। इस बार 400 पार का नारा तो दिया ही जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा में सिर्फ चंद दिन बचे, लेकिन चुनावी जंग की शुरुआत उससे पहले ही हो चुकी है। पीएम मोदी ने एनडीए के लिए टारगेट सेट कर दिया है, बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। बिल्कुल, सत्ता सम्मेलन के मंच पर हमने इसी टारगेट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक से ये सवाल किए, ये बात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से भी ये सवाल पूछे, लेकिन हमारे मंच से सबसे बड़ी भविष्यवाणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। क्या थी वो भविष्यवाणी, वो देखिए आप। सत्ता सम्मेलन के मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी, चौथे टर्म में भी प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे, ये राजनाथ सिंह ने कहा। सत्ता सम्मेलन के मंच पर राजनाथ सिंह ने किया दावा, इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 के पार। राजनाथ जी, अब मैं शुद्ध राजनीति पर आता हूं। आप दो बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे, 2014 में जब आप अध्यक्ष थे तभी पहली बार बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। 2024 में राजनाथ सिंह जी की क्या भविष्यवाणी है? 2024 में अभी क्या भविष्यवाणी आपकी? बीजेपी 370, क्योंकि अभी 370 समाप्त किया है हम लोगों ने कश्मीर का और एनडीए 400 के पार। भविष्यवाणी यही है, और एक भविष्यवाणी हमारी और है, सामान्यतः गलत नहीं होती हमारी भविष्यवाणी, है तो आप जानते होंगे, अब तक नहीं हुई है। थर्ड टर्म में मोदी जी आ रहे हैं, फोर्थ टर्म में भी मोदी जी आ रहे हैं इंडिया गठबंधन, जनता का ऐसा गहरा विश्वास दुनिया में किसी देश के लीडर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जन सामान्य के विश्वास और भरोसे का भाव है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी सरकार का बड़ा चेहरा, दावा ये कि तीसरे टर्म में ही नहीं चौथे टर्म में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। सत्ता सम्मेलन के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक दावा किया, 400 सीट पार कर तीसरी बार बनाएंगे सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दो तिहाई बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। सुनिए, अब चुनावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 370 सीटों का लक्ष्य दिया है, अमित शाह जी का क्या लक्ष्य है? देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य रखा है और जनता को विनंती करी है कि हमें 370 सीट देकर 400 पार कराइए एनडीए को। ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है और हम सब इसी लक्ष्य के अंदर आते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो ले ली हैं, खासकर उत्तर भारत में, और उन्हीं लोगों का ये एनालिसिस होता है कि दक्षिण भारत में शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होगा सीटों में। कहाँ से सीटें आएंगी? यही पंडित कहते थे ईस्ट में बीजेपी नहीं है, आज पूरा ईस्ट बीजेपी से भरा हुआ है। अगर हम पंडितों की सुनते के तो दो के दो रहते हैं, हम 200 से 300 पार गए, पंडितों को मालूम ही नहीं पड़ा कहां से कराए भाई।
पूरा आसाम जीत लिया, अरुणाचल जीत लिया, मिजोरम अपना मणिपुर जीत लिया, बंगाल में आधे हो गए, उड़ीसा जीत लिया, तेलंगाना में पहुंच गए। कौन पंडित आकलन करता था? कोई नहीं करता था। जब देश को हमारी पार्टी के नेता पर विश्वास है तो देश एक है, हर जगह से वोट मिलेगा, हर जगह से सीट मिलेगी और हम 400 पार कर तीसरी बार लगातार 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाए। और टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में खड़गे का बड़ा बयान, एनडीए के 400 सीट जीतने के दावे पर खड़गे ने बयान दिया, पीएम मोदी की बातों पर देश को भरोसा नहीं, पीएम मोदी की कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, ये खड़गे ने कहा। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार, प्रधानमंत्री बात करते हैं मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, आपका नारा क्या है, कांग्रेस की गारंटी क्या है? देखिए, पार्टी की गारंटी हम कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की गारंटी जब हम पावर में थे यूपीए की गवर्नमेंट, तब हमने मनरेगा की गारंटी दी, एजुकेशन की गारंटी दी और फूड सिक्योरिटी एक्ट का बनाकर लोगों को पेट भरने के लिए गरीब लोगों को हमने वो काम किया। ऐसे कितने हैं, इससे पहले भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमने लाया, उनकी गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दिए, ये बोला था या नहीं? वो गारंटी थी क्या थी? फिर उसके बाद मैं सबको 15-15 लाख ला के काला धन दूंगा बोले, दिए, वो कौन सी गारंटी थी? प्रधानमंत्री के बात को हमेशा लोग एक स्टेटमेंट के तरह देखते हैं, ये नहीं देखते वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मोदी साहब हमेशा लड़ते रहते हैं जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पार्टी को तो गालियां देते हैं, या नहीं राहुल जी को देते हैं, या नहीं सोनिया जी को देते हैं, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 53 साल में देखा हूं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में उन्होंने क्या कहा। वहीं सत्ता सम्मेलन के इसी मंच से बोले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, 370 सीटें नहीं 270 सीट पर इस बार सिमटेगी बीजेपी। केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार से लोगों में भारी नाराजगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीवी 9 के मंच से क्या कहा, सुनिए। अरुण जी, क्योंकि आपकी टक्कर जिन लोगों से है यानी कि बीजेपी से है, वो अपना टारगेट 400 पार बता रहे हैं, 370 अकेले बीजेपी बात कर रही है, वो तो बकवास कर रहे हैं। हालत देश की ये है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पेट्रोल 100 पार चला गया है, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, तो 270 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो तो 370 की बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाएगा? मतलब हालत तो देश के अंदर, हालत तो यही है, नाराजगी केंद्र सरकार से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि एक वो इंडिया शाइनिंग भी हुआ था, इंडिया शाइनिंग में भी उन्होंने कहा था देश बड़ी तरक्की कर रहा है और ये, और वो लोगों ने बता दिया तरक्की कितनी कर रहा है। तो आज भी ये वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विश्व गुरु बन गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी के अंदर जरा सा भी सुधार नहीं हो रहा है, एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं। जनता की जिंदगी जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कैसे काम चलेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया कि वादे नहीं पूरे हो रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, समीर चौगावकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक झा कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है हमारे साथ, इसके अलावा जयराम विप्लव जी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जयराम जी,
शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि 2024 में होने हैं लोकसभा चुनाव, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म का अब तक जिक्र हो रहा था, लेकिन राजनाथ सिंह ने हमारे मन से चौथे टर्म की भी बात कर दी है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? स्वयं राजनाथ जी के ही वक्तव्य में आप सुन सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस सीधे तौर पर जनता के द्वारा आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने जनता में ऐसा विश्वास किसी प्रधानमंत्री के प्रति आज तक नहीं देखा। तो जब जनता को प्रधानमंत्री पर विश्वास है, प्रधानमंत्री जनता को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं 140 करोड़ लोगों को परिवार का मानकर राष्ट्र को उन्नति की ओर आगे ले जाने का ध्येय है, उसके लिए दिन रात मेहनत चल रही है, तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां जब तक शक्ति और सामर्थ्य है देश की सेवा का, जीवन का क्षण क्षण और कण कण नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को समर्पित कर दिया। लेकिन अभी तो बड़ी चुनौती 2024 की है ना, तीसरे टर्म की है। उस चुनौती में भी मैंने अभी आपके चैनल पर सुना, कट्टर से कट्टर विरोधी केजरीवाल भी मान रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है, संख्या वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो विरोधियों में भी ये साहस नहीं है कहने का कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही है, और इस बात को खड़गे जी तो सदन में 400 पार करवा गए थे। तो विपक्षी भी कह रहे हैं भारत की जनता को विश्वास है, और जितनी मजबूती के साथ बूथ पर हमारा कार्यकर्ता डटा हुआ है, आपका विश्वास है, लेकिन कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता इससे सहमत नजर नहीं आ रहे। यही सवाल मैं दीपक झा से करूंगा। दीपक झा, टारगेट दिया जा रहा है 370 का कार्यकर्ताओं को, ये दावा किया जा रहा है कि अगला टर्म और इसके बाद वाले टर्म में भी बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को कोई लक्ष्य दिया जा रहा है क्या? क्योंकि अगर कोई पार्टी 370 और 400 के आंकड़े को टारगेट दे रही है, तो हम कहीं से भी ये नंबर्स या इस तरह के आंकड़े कांग्रेस या इंडिया अलायंस कह लीजिए, उनकी तरफ से देते हुए, दावा करते हुए नहीं सुनते। क्या ये आत्मविश्वास की कमी है या फिर कुछ और है? देखिए रवि जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। आज हालात ऐसे क्यों हो गए कि भाजपा जो है सुरसारूपी पार्टी बन चुकी है कि हमको इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर सरकार में काम करने के लिए, आपके देश को सेवा करने के लिए आपको तो 272 सीटें बहुत है भाई साहब, 272 से ज्यादा का मतलब दिखाते हैं आप तानाशाही करना चाहते हैं, और तानाशाही के लिए मोदी जी अपना जस सुरसा बदन बढ़ावा, चास दून का विरूप दिखावा, तो जनता रूपी जो हनुमान है इस चुनाव में इनके इस पराक्रम को ध्वस्त कर देगी। अब बात आती है कि आपने गारंटी देते हैं, मोदी जी गारंटी देते हैं, आपने बताइए ना, 15 लाख रुपए देने की गारंटी दिया था आपने, अच्छे दिन लाने की गारंटी दिया था, महंगाई कम करने की गारंटी दिया था, तो महंगाई कम हुई क्या? देश पूछना चाहता नहीं, है मेरा सवाल कुछ और था दीपक जी, मेरा सवाल था ये आत्मविश्वास आप लोगों में इंडिया अलायंस या कांग्रेस में है या नहीं है? क्या आप इस समय आज की तारीख में किसी आंकड़े का, बहुमत का ही चलिए, आपने जो कहा 272, क्या उसका दावा कर सकते हैं, कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी का ढोल फट चुका है, भाजपा की पोल खुल चुकी है, अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आज आपको बता रहा हूँ। 2024 में जब मई में रिजल्ट आएंगे तब मैं आपके साथ जुड़ूंगा, और देश में पूरे गर्व के साथ, पूरे देश की जनता गर्व के साथ जश्न मनाएगी, आजादी का जश्न मनाएगी, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही की आजादी से। अच्छा दीपक, लेकिन ये बात फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं कही जा रही है, जो रवि भी जानना चाह रहे थे कि भाई हर हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की हार होगी, बीजेपी की हार होगी, ऐसा तो कोई विपक्ष का नेता भी कहता सुनता हमें नजर नहीं आता। घनेन्द्र भारद्वाज जी, आपने खुद आंकड़ा दिया 270 का, यानी क्या इसका मतलब ये माने कि इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल आम आदमी पार्टी, उसकी भी राय यही है कि भाई सीटें भले कम हो लेकिन सरकार बनने जा रही है? क्योंकि 270 की अगर आप बात कर रहे हैं, यानी कुल एनडीए मिलाकर 300 के पार तो आप भी पहुंचा रहे हैं। देखिए समीर जी, जो सीएम साहब ने कहा था, आपके मंच पे मैं भी बैठा था, सीएम साहब ने कहा था कि 270 भी पार नहीं हो रही। अच्छा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा, और नरेंद्र मोदी की सरकार देश से जाने वाली है, क्योंकि देश के लोग वोट करेंगे इस बार महंगाई पे, बढ़ती महंगाई पे, बढ़ते भ्रष्टाचार पे, बढ़ती बेरोजगारी पे, किसानों की बुरी हालत पे, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार पे, ये तमाम इश्यूज देश के लोगों के सामने 140 करोड़
करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में सिर्फ ठगने का काम करा है। नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से फ्रॉड करा, चीट करा, देश के लोगों से गलत वायदे करे। नरेंद्र जी, लेकिन बीजेपी का, नरेंद्र जी बीजेपी का लेकिन दावा यह है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता का डर इतना है कि विचारधारा छोड़ छोड़ के पार्टियां एक साथ आ रही है। जिस कांग्रेस को आपने दिल्ली में पानी पी पी के गाली दी थी, आपने पहली सरकार भी बनाई और फिर से गठबंधन कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि सब एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं, ये उनका डर है। अकेले सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। रवि देखिए, 370 और 400 की बात कहां से आ रही है, क्योंकि चंडीगढ़ का जो मेयर का इलेक्शन था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि जहां पे सिर्फ 36 वोटों की गिनती होनी थी वहां पे 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए। खुलेआम लोकतंत्र पे डाका डाला गया, खुलेआम लोकतंत्र में वोटों मेरा प्रश्न कुछ और था, लेकिन धनेंद्र जी प्रश्न मेरा कुछ और था। रवि मैं यही कह रहा हूं, रवि देखिए, आज देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की, मेरी भी है, आपकी भी है, समीर की भी है, सब लोगों की, क्योंकि पिछले 10 सालों में देश में लोकतंत्र को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, संविधान की रोज हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, रोज लोकतंत्र का गला दबा रहे, रोज चुनी सरकारों का अपहरण हो रहा है। ठीक है रवि जी, ठीक है, समीर चौगांवकर हमारे साथ मौजूद है। समीर जी, सारी स्थितियां परिस्थितियां आपके सामने है, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, ये आरोप लगातार ओपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की बात लगातार की जा रही है, लेकिन इधर टारगेट बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इस बार 400 पार का आंकड़ा दिया गया है, चौथे टर्म की बात तक हो रही है, क्या वाकई जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो आपको अनुकूल नजर आ रही है बीजेपी के लिए, या फिर इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है अपने लिए टारगेट सेट करके लड़ती है। 2014 का आप चुनाव देखोगे, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 282 सीट जीती थी। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब की बार 300 पार, और भारतीय जनता पार्टी के 2019 में 303 सीटें आई थी। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 का टारगेट लेकर चल रही है, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों पर पहुंच सकती है। और अरविंद केजरीवाल तो विधानसभा के अंदर कहा था कि 2029 में हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले हैं, तो अरविंद केजरीवाल ये खुद विधानसभा में स्वीकार कर चुका है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब रही बात विपक्ष गठबंधन की, बात मेरा है कि ना कि विपक्ष और गठबंधन की आप स्थिति को आपको पता है, इंडिया गठबंधन बना था 23 जून को पटना के अंदर, उसके बाद से लेके आज तक इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ सीटों का बंटवारा हुआ है दिल्ली के अंदर 4-3 का, पंजाब में ना अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का कोई गठबंधन ही, वहां चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ अखिलेश के साथ, आप हिमाचल प्रदेश का उत्तर प्रदेश में तो वहां पर क्या हुआ, प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन का एक प्रारूप सामने आ ही गया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया, आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली नहीं हरियाणा में भी हो गया, लेकिन आप देखिए गोवा में भी हो गया है, वही मैं कहना चाह रहा हूं। एक मोटा मोटा प्रारूप हमें इंडिया गठबंधन का सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि 250 तकरीबन सीटें ऐसी अभी हमें नजर आ रही हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को इंडिया गठबंधन मिलकर अकेले टक्कर दे। समीर जी, मेरा कहना है कि इंडिया गठबंधन की कांग्रेस को क्या जरूरत थी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर, गुजरात के अंदर, हिमाचल में, उत्तराखंड में, क्या कोई इंडिया गठबंधन का दल कांग्रेस को सपोर्ट कर सकता है? वहां तो कांग्रेस को सीधे बीजेपी से लड़ना है, तो जहां बीजेपी से सीधे कांग्रेस की फाइट है वहां कांग्रेस की क्या स्थिति है? हिमाचल में कल आपको देख गया राज्यसभा चुनाव के अंदर सरकार होने के बाद भी किस तरीके से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और अभिषेक मनु संघवी हार गए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, तो जहां डायरेक्ट चुनौती है वहां तो कांग्रेस लड़ नहीं पा रही है, और कांग्रेस कह रही है कि अब इंडिया गठबंधन की जरूरत है, वो कैसे फाइट करेगी, आप ये बताइए ना मुझे। समीर जी, जहां पर सीधी चुनौती है वहां कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों को उतना स्पेस नहीं दिया है, कांग्रेस ने वहीं पर एडजस्टमेंट किया है जहां पर उनकी स्थिति कमजोर थी जयराम। लेकिन अब सवाल यही है कि मुद्दों की बात की जाती है और कहा जाता है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, एक साथ इतनी पार्टियों का साथ आना, एक चुनाव के पहले एडजस्टमेंट होता दिखाई दे रहा है, क्या ये एक बड़ी बाधा, चुनावी बाधा नहीं बनने वाली है? ये जो टारगेट दिया जा रहा है बार बार 370 और 400 प्लस की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर एक साथ सभी पार्टियां लड़ती हैं तो उनकी भी शक्ति को आप कम करके कैसे आंक सकते हैं?
बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टियां साथ आ गई, इससे जनता को क्या फर्क पड़ रहा है, वो देख रही है जनता। ये वही पार्टियां हैं जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ थी, इनका एजेंडा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है, ये आज कुछ कहते कल कुछ करते, इसी आप ही के मंच से मैं याद दिलाऊं। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं संविधान और तानाशाही के दौर में देश को हम जाने नहीं देंगे, अभी आपने सुना यही दावा किया जा रहा है। उनके सारे बिंदुओं को जवाब दे देता हूँ एक लाइन में, आप अभी याद कर लीजिए, आप ही के मंच से भगवंत मान ने कहा, बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी बेईमान पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ईमानदार नहीं है, 70 वर्षों से हमारे बुजुर्गों को यही कांग्रेस परेशान करती रही। अब भगवंत मान झूठे हैं, केजरीवाल सच्चे हैं, राहुल गांधी सच्चे हैं या केजरीवाल झूठे हैं, ये जो है। इनकी आपस की चीजें हैं वो सार्वजनिक है। नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट साउंड बाइट थी जो हमारे सत्ता सम्मेलन में निकलकर सामने आई, भगवंत मान ने जो कहा कांग्रेस के लिए। मैं इस पर एक घनेन्द्र जी से सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, लोकसभा चुनाव के लिए 125 उम्मीदवार हो सकते हैं फाइनल, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ये बड़ी खबर है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक है आज शाम 6 बजे, सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो कैसे पूरा होगा 400 सीटों का लक्ष्य जो बार बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो जरा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहली बात, बीजेपी को कम से कम 350 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, तभी 400 का जो ये टारगेट है ये हासिल होगा। बिल्कुल, और सहयोगी दलों को भी 50 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, 350 तब जाकर यह आंकड़ा 400 के आसपास या फिर उससे ज्यादा पहुंचेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 72 सीटों पर वोट शेयर बढ़ने पर यह टारगेट पूरा हो सकता है, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, 2019 में 72 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स दूसरे नंबर पर थे, इसलिए बीजेपी को लगता है कि इन 72 सीटों पर ताकत लगाने का फायदा हो सकता है। और पांचवा पॉइंट, कम से कम 40 सीटों पर 2-3% वोट बढ़ने पर भी जीत संभव है, यानी कि ये जो मार्जिन है इसको, इस गैप को हटाना पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल, और 1984 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी सबसे ज्यादा 414 सीटें, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड के आसपास पहुंचने की कोशिश इस बार बीजेपी और एनडीए की तरफ से है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को 50% वोट मिले थे और इस बार बीजेपी ने टारगेट भी एनडीए के लिए यही रखा है, 50% सीटें, और 50% वोट मिलने पर एनडीए भी जीत सकती है 400 सीटें। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। घनेन्द्र भारद्वाज जी, ये बीजेपी का सपना, ये एनडीए का सपना पूरा अगर हो सकता है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, एक तरह से ये हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, लेकिन आप लोग कड़ी चुनौती कैसे दे पाएंगे जब आपस में ही इतना गतिरोध नजर आएगा। भगवंत मान के जिस बयान का जिक्र कर रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता, वो तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को वो ईमानदार पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग वोटर्स के सामने कैसे ये मैसेज देंगे कि हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं? देखिए समीर जी, जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है और जब से हमारी सीट शेयरिंग हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल जो है घबरा चुके, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से सीट शेयरिंग हुई है। हम गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब पंजाब में चुनाव लड़ेंगे तो पंजाब में चुनाव कांग्रेस के सामने लड़ना है। और देखिए, पूरे इंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही सत्ता को हटाना है, क्योंकि पिछले 10 सालों में डिलीवरी के नाम पर। तो ये इससे क्या मैसेज जा रहा है घनेन्द्र जी, इससे क्या मैसेज जा रहा है कि दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में आप कांग्रेस के साथ हैं, पंजाब में आप कांग्रेस के खिलाफ हैं? इससे वोटर्स कंफ्यूज नहीं होगा? मैं पूरे देश के लिहाज से बात कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के रुख और रवैये को लेकर।
समीर आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारी पंजाब में सरकार है, हमारे गोवा में 2 विधायक है, हमारे गुजरात में 5 विधायक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर म्युनिसिपैलिटी हर पंचायत में आम आदमी पार्टी के सदस्य। ठीक है, वो तो हमें भी पता है आपकी कहां सरकार है। समीर का सवाल बड़ा सपाट था। नहीं गणेंद्र जी देखिए, हमें इतने विस्तार में जाने, जो सवाल उन्होंने पूछा कि भाई वहां कैसे लड़ेंगे जब यहां साथ है। दीपक जी मैं बहुत इसको और सवाल को स्पष्ट कर देता हूं आपके लिए। पंजाब सरकार पर कांग्रेस के क्या आरोप होंगे चुनाव में, आप लोग क्या मुद्दे उठाएंगे? क्योंकि अगर वहां चुनाव लड़ना है तो आम आदमी पार्टी मान सरकार से लड़ना है तो कुछ आरोप तो लगाएंगे ही, या फिर ये कहेंगे हम साथ हैं लेकिन वोट उनको नहीं हमें दीजिए, ऐसा कुछ बोलने वाले आप? देखिए रवि जी, ये जो सवाल है ये इनरेलेवेंट हो जाते हैं। बात ये है कि आज के टाइम पे, आज के समय पे पूरा का पूरा देश का जो चौथा स्तंभ है बहुत ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी की सेवा में दुरुस्त से लगा हुआ है, कहता है नरेंद्र मोदी जी का। अरे नहीं दीपक जी, नहीं देखिए स्किप मत करिए, आप मान सरकार पे करप्शन का अगर चार्ज लगाएंगे तो दिल्ली में कैसे कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदारी से चल रही है? दिल्ली में कांग्रेस ईमानदार है, कांग्रेस। दीपक जी को बोलने दीजिए फिर हम आते हैं आपके पास। दीपक जी बोलिए। देखिए बात आज ये है कि नरेंद्र मोदी जी का गुब्बारा फुलाया जा रहा है, पंप में हवा भरा जा रहा है और नरेंद्र मोदी का गुब्बारा फूटा, जो कि वास्तविकता में सिर्फ परे है, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि 400 सीटें। लेकिन आप ही बताइए ना नरेंद्र मोदी जी, सवाल करिए कि 400 सीट लायक काम किया है क्या आपने? कोई काम किया नहीं किया धरातल पे। आज सिर्फ और सिर्फ गुब्बारा फुलाया जा रहा है विकास का। रघुवीर जी बड़े अफसोस के साथ मैं कहूंगा, जो देश में गांधी का देश पर खादी का मीडिया था, आज सूटबूट का मीडिया पड़ चुका है और नरेंद्र मोदी सूटबूट। अरे भाई दीपक बार बार आप कह रहे हैं ये 400 का आंकड़ा दिया जा रहा है, हम कह रहे हैं आपकी तरफ से भी कोई आंकड़ा आ जाए। हम ये भी कहेंगे कि इंडिया गठबंधन ने ये वोटर्स को गारंटी दी है कि इस बार इतनी 400 सीटें आ रही हैं, ये दावा कर दिया है कि 400, ये बीजेपी का दावा ही है ना, आ थोड़ी गई उनकी सीटें, ये वो दावा कर रहे हैं। आपका दावा क्या है बताइए, कितने नंबर्स लेकर आएंगे, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार कांग्रेस पार्टी की और कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की बताइए? मेरा दावा यह है कि हमारे इंडिया गठबंधन का 310 प्लस सीटें आएंगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 310। हम सबको खत्म नहीं करना चाहते, हम इस देश में विपक्ष को भी रखेंगे मजबूत विपक्ष। कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ रही है चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ रही है? 200 सीटें आएंगी, कांग्रेस पार्टी की 200 सीटें के आसपास आ जाएंगी, बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ। तो यही फर्क है ना, यही फर्क है। आप दावा तक नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी पार्टी अकेले बहुमत ला सकती है, उधर से दावा किया जा रहा है 370 का। उधर से दावा 370 का है, अकेले है नहीं समीर भाई, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा का पूरा विपक्ष है देश में, हम अकेले नहीं राज करना चाहते। अकेले तो वो भी नहीं है, उनके साथ भी एनडीए के 38 घटक दल है, एक नेतृत्व देना चाहिए। तो हमारे साथ ये है, उनके साथ 40 घटक दल है, क्योंकि तोड़ फोड़ की जनमत के लुटेरे लोकतंत्र के हत्यारे हैं भाजपा, लोगों को डराते हैं ईडीआई सीबीआई के थ्रू। अब देखिए रवि जी, ठीक है जयराम कमेंट करना चाहते हैं इस पे, जयराम का रिएक्शन ले लेते हैं जी प्लीज। देखिए लोकतंत्र एक बड़ा टर्म आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, देश में प्रमाणित रूप से लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी जी की दादी ने वो कुकृत्य किया था जिससे 140 करोड़ की जनता लड़ करके लोकतंत्र को बहाल कर पाई। अब बीच में मत बोलिएगा दीपक जी, मैंने सुना, शांति से सुनिए रवि जी, ये तो अन्याय है हमारे साथ। दीपक जी लौटेंगे आपके पास, आपको हमने पूरा अवसर दिया। अच्छा इन्होंने एक शब्द कहा कि खादी नहीं सूट बूट की सरकार, अरे भैया इसी सरकार में खादी एफएमसीजी ग्रुप में 1,00,000 करोड़ का सालाना आय करने वाला कंपनी बन गया। खादी को कहां से उठाकर कहां मोदी जी ने पहुंचाया, ये नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू है, ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, ये नरेंद्र मोदी की अपील का असर है। और आज आम आदमी पार्टी के जो नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे फ्रॉड क्या है होता है बताता हूँ। बिजली बिल वसूलने का काम किसका है, बिजली बिल बनाने का दिल्ली में काम किसका है, बिजली बिल किस विभाग के अंतर्गत आता है, पानी का बिल किस विभाग के अंतर्गत आता है, पानी का बिल गलत कौन बनाता है, वो है दिल्ली का जल निगम, जल बोर्ड। और आरोप किसके ऊपर,
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फ्रॉड है ना, फ्रॉड का चेहरा अरविंद केजरीवाल के रूप में जनता के सामने है। जनता पूछ रही है, एक लाइन खत्म कर दूं, एक लाइन, जनता पूछ रही है कि जो कांग्रेस दिल्ली में ईमानदार है वो कांग्रेस पंजाब में जाकर बेईमान कैसे हो गई। ठीक है, ठीक है, हम लौट रहे आपके पास। और देखिए, दरभंगा की रैली में भी राजनाथ सिंह ने भविष्यवाणी की और पीएम मोदी के चौथे टर्म पर रक्षा मंत्री ने बयान दिया, कहा लोगों से तीसरे ही नहीं चौथे टर्म के लिए अपील उन्होंने की है और एक तरीके से लोगों के सामने चौथे टर्म की बात भी रख दी। ये गारंटी हम लोगों की है। अब हम लोग धीरे धीरे लोगों को रोजगार देना प्रारंभ किए। बेरोजगारी यहां पर 8.5% थी, इतने दिनों के अंदर हम उसको कम किया हम लोगों ने। अब भारत में बेरोजगारी का दर केवल 5% रह गया है। बहनों भाइयों, अवसर दीजिए हमारे प्रधानमंत्री को, तीसरा टर्म ही नहीं संकल्प लेंगे, चौथा टर्म भी देंगे। हम गरीबी के संकट को भी दूर करेंगे और बेरोजगारी के संकट को भी दूर करेंगे। तो तीसरा टर्म ही नहीं चौथा टर्म भी देंगे, ये संकल्प लीजिए। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैलियों में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एनडीए की तैयारी क्या है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कैसे एकजुट होने की कर रहा है कोशिश, उसकी तैयारी क्या है, ये रहा आपके सामने पूरा खाका। बीजेपी का प्लान 50% वोट का, 10% वोट बढ़ाने का इस बार प्लान है। वहीं इंडिया की आप तैयारी देखिए, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, बट वोटों का बंटवारा रोकना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। गरीब, युवा, किसान, महिला, जाति जनगणना की काट के तौर पर इन चार जातियों को बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। वहीं इंडिया की तैयारी देखिए, मोदी विरोधी अभियान में 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए एनडीए की तैयारी की बात करें, मोदी की गारंटी 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें, एजेंसियों के दुरुपयोग का लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विपक्ष को ही इन एजेंसियों के माध्यम से टारगेट किया जा रहा है, यानी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप सरकार के ऊपर लगातार। वहीं विकसित भारत का संकल्प यात्रा, ये एनडीए की तैयारी का हिस्सा जिसमें मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की प्लानिंग है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहा है, सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की पूरी योजना है। बिल्कुल, और इसके अलावा एनडीए की एक और तैयारी है, बीजेपी की एक और तैयारी है, हिंदू वोटों का एकीकरण। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर दर्शन जो है वो कैसे देश भर में चल रहा है, जगह जगह अलग अलग जगहों के दौरे पर जाकर वो मंदिर दर्शन करते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तैयारी क्या है, मुस्लिम वोटों पर इंडिया गठबंधन की नजर है, 20% जो वोट बैंक है उस पर भी इंडिया गठबंधन फोकस करता हुआ नजर आता है। समीर चौगांवकर जी, पूरी एनालिसिस तो हमने आपके सामने रख दी, अब आपका गणित क्या कहता है, कौन कितना भारी पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बहुत ज्यादा भारी है। हाँ। और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। देखिए, 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद से राम रिचार्ज के बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, रिचार्ज हो चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए। और मुझे लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 37% वोट मिला था उसमें राम जन्मभूमि की बड़ी भूमिका रहने वाली 2024 के अंदर, और लगभग 5% का बड़ा वोट बैंक जो है बढ़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी का राम के नाम पर। और प्रधानमंत्री मोदी का काम 10 साल का, प्रधानमंत्री मोदी का काम नहीं, तो आपके हिसाब से समीर जी आपके हिसाब से ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे क्या बड़े नहीं है या ऑपोजिशन इसे बड़ा बना नहीं पा रहा है? कोई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से कई मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि विपक्ष ने एकजुटता के साथ कोई मुद्दा उठाने की, ये सवाल रख लेते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की ये सवाल एक एक करके रख लेते हैं। कम समय है, अब आखिरी हिस्से में आ गए हैं कार्यक्रम में। दीपक जी, एक मोदी की गारंटी वर्ड जो है, टर्म जो है, इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो मैं इसको स्पष्ट पूछ लेता हूँ, मोदी की गारंटी बनाम क्या? देखिए रवि जी, मोदी की गारंटी तो ये भी थी ना कि अच्छे दिन आएंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, जो इसको अमित शाह जी ने क्या कहा था, वो तो सब जुमले हैं। नहीं, मोदी की गारंटी के नाम राहुल की गारंटी क्यों नहीं? नहीं, देश व्यक्ति से चलता है कि पार्टी से चलता है, लोकतंत्र से चलता है? आप बता दीजिए, देश मोदी जी एक तानाशाह हिटलर की तरह चलाना चाहते हैं क्या इस देश को?
अगर राहुल गांधी जी सबके साथ सब के सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को कमजोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं घनेंद्र जी, आपकी पार्टी कांग्रेस पर ये आरोप लगा रही है कि भाई कांग्रेस ने बड़ी देरी कर दी, जो काम पहले हो जाने चाहिए थे वो अभी तक किए नहीं, यानी वो सामूहिक नेतृत्व क्षमता आप तो देख नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए समीर, वोट कौन करेगा? वोट करेगा देश का नौजवान, वोट करेगा देश की महिलाएं, वोट करेगा देश का किसान, वोट करेगा देश का आदिवासी, वोट करेगा देश का दलित, जो पूरी तरीके से पिछले 10 सालों से इस सरकार ने उनको मारने का काम करा, वो वोट तो करेंगे। अगर राजनाथ सिंह, ठीक है, समय कम है, जयराम आखिरी 10-15 सेकंड में कंक्लूड करिए, मोदी की गारंटी का नाम आप क्या देखते हैं? विपक्ष के आरोप जो देख रहे हैं उसमें क्या देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी, उन्होंने जो योजनाएं लागू की, जिसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, जो योजनाएं केंद्र से घोषित हुई जनता तक सीधे पहुंची, ये राजीव गांधी की गारंटी नहीं है। यहाँ 100 पैसे में 85 पैसे दलालों की भेंट चढ़ जाए, ये मनमोहन की सरकार नहीं है जहाँ 12 लाख करोड़ की लूट हो जाए। कम से कम इतना तो तय दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक लक्ष्य तय किया है, इस लक्ष्य को हर मंच से कहा जा रहा है, और बात सिर्फ 2024 की नहीं 29 की भी अब की जाने लगी है, जैसा कि राजनाथ सिंह ने सत्ता के सम्मेलन के मंच पर भी कहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए।